न्यू ईयर पे हम आए हैं फिनिक्स मॉल में और यहाँ पे आके इतना पॉजिटिव एनवायरनमेंट लगता है, इतना बढ़िया एम्बियंस लगता है। हर साल यहाँ पे बहुत अच्छे से सजाया जाता है क्रिसमस पे एंड न्यू ईयर पे। यहाँ की डेकोरेशन देखने लायक बनती है, मनमोहक इज़ द वर्ड फॉर दिस डेकोरेशन, और यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। आज मैं पहली बार बर्गर खा रही हूँ, वैसे मैं पिज्ज़ा तो खाती रहती हूँ, लेकिन आज फर्स्ट टाइम न्यू ईयर पे हम मैकडोनल्ड्स के बर्गर खा रहे हैं। कितना एक सेकेंड अभी आ कैसा लग रहा है? यम, मज़ा आ गया। यम्मी, अरे वाह, मैकडोनल्ड बर्गर। हम आए हैं थोड़ी सी परचेजिंग करने के बाद सीसीडी में, और कैफ़े कॉफ़ी डे में आके इतना अच्छा लग रहा है। यहाँ की कॉफ़ी लाजवाब है और हम बस अपने कॉफ़ी का वेट कर रहे हैं। एंड इन्जॉय, आप भी इन्जॉय कीजिए इस वीडियो में इस पॉजिटिव एनवायरनमेंट को, और सीसीडी की कॉफ़ी देख के इन्जॉय कीजिए, और पीने का मन है तो ज़रूर सीसीडी आप भी जाइए। 2 hours later. Hello everyone. अभी आपने जैसे देखा न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए फिनिक्स मॉल में गई थी, और वहाँ पे बहुत अच्छा एम्बियंस था, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। पहला दिन साल का जैसे शुरुआत की तो हैप्पी हैप्पी मूड में थी, और वहाँ सीसीडी में कॉफ़ी इतनी लाजवाब थी, बर्गर मैकडोनल्ड का इतना अच्छा लगा। पहली बार मैंने खाया, मैंने टेस्ट किया, क्योंकि मैं जनरली पिज़्ज़ा प्रेफर करती हूँ, पिज़्ज़ा बहुत खाती हूँ, बट कभी बर्गर नहीं ट्राई किया था। फ्रेंच फ्राइज तो हाँ पहले भी खा चुकी हूँ, बट फास्ट फूड में थोड़ा कम ही खाती हूँ, लेकिन पिज़्ज़ा फास्ट फूड में काफ़ी पसंद है मुझे। मैंने वेज नॉन वेज भी ट्राई किया है, बट बर्गर फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड आई जस्ट लव इट। अब से मैं बर्गर की भी फैन हो गई हूँ, मैं बर्गर भी ट्राई किया करती रहूँगी। एंड वहाँ जब मैं फिनिक्स मॉल गई, पहले तो खूब घूमा खूब, फिर उसके बाद मैं गई हाइप के स्टोर पे। मैं जनरली क्या करती हूँ, आज मैं अनबॉक्सिंग करूँगी अपने शूज़ की जो मैं वहाँ से लेके आई हूँ फिनिक्स मॉल से। मैं जनरली मार्केट में जाती हूँ, और मार्केट में मेरे साइज़ की बहुत प्रॉब्लम रहती है शूज में, सैंडल्स में, तो मुझे मैंने सोचा लाओ ट्राई ब्रांड, किसी ब्रांड में हो सकता है मेरा साइज़ मिल जाए मुझे मेरे शूज़ का। तो मुझे इतनी खुशी हुई ये बात जान के कि हाइप ब्रांड में जब मैं गई तो मुझे मेरा साइज मिल गया, एंड इतने प्यारे प्यारे शूज थे, सैंडल्स थी वहाँ पे, एंड डेली वियर चप्पल्स थे, एंड इवन पार्टी वियर चप्पल्स भी बहुत अच्छे अच्छे थे। मेरा तो मतलब मन हो रहा था पूरा स्टोर ही खरीद लूँ, इतनी अच्छी वहाँ की स्टॉक थी मेरे को लगी। उसमें से मैं एक आज अपने लिए लेके आई हूँ, एंड आप मुझे देख के बताइए कि आपको मेरा शूज कैसा लगा। ठीक है, चलिए अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। मेरे को हमेशा से हील्स थोड़ी सी हो तो बहुत अच्छी लगती है, एंड इसमें मुझे हील भी मिली, प्लस ये आधा पैर कवर भी कर देगी, तो मेरे को ये इतना पसंद आया ये पीस। आप देख सकते हो स्किन शेड में है, एंड इसमें बीच बीच में ये ऐसे डिजाइनिंग है, तो ये डिजाइनिंग मुझे बहुत अच्छी लगी।
मेरे को बहुत अच्छा लगा ये पीस, आप मुझे कमेंट सेक्शन बताना ये कैसा लगा, एंड आई जस्ट लव इट। इसको मैं स्कूटी पे पहन के जाऊँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगे, पैदल जाऊँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगे, बड़ा कंफर्टेबल भी था। एंड अंदर से इसका ये सोल इतना है, नॉर्थ की सर्दी आपको पता ही है, दिल्ली यूपी की सर्दी कितनी कड़ाके की ठंड होती है, तो उसमें इतना अच्छा है। अगर आप मोजे भी नहीं पहनते हो तो ये अंदर से गर्म कर रहा था ये जब मैंने पहन के देखा था, तो मोजे भी पहनने की ज़रूरत नहीं है, वैसे पहन सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड इतना कंफर्टेबल पीस है ये, आई टू जस्ट लव इट, मज़ा आ गया मुझे ये। एंड मेरे को ये पीस मिले हैं 1400 में, एंड आप मुझे बताइएगा आपको ये पीस कैसा लगा। मैं तो दीवानी हूँ, एंड जल्दी से मुझे कुछ मौका मिले और मैं इसको पहन के बाहर जाऊँ, तो मैं वेट कर रही हूँ ईगली वेटिंग। आई टोटली लव इट, मज़ा आ गया कि मुझे मेरे मनपसंद शूज मिल गए, जैसे मैं हमेशा से चाहती थी, हील भी हो थोड़ी सी एंड पहनने में कंफर्टेबल भी हो। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग, न्यू ईयर स्पेशल एंड अनबॉक्सिंग ऑफ माय शूज। तो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में प्लीज भर दीजिए कमेंट सेक्शन, एंड मेरे को मोटिवेट करने के लिए कि मैं ऐसी आपके लिए वीडियोस लेके आती रहूं, एक लाइक तो बनता है ना, प्लीज लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और प्लीज मुझे डोनेशन दीजिए, आई नीड सब्सक्राइबर्स, डोनेशन के रूप में मेरे को सब्सक्राइबर्स दे दीजिए। ठीक है, आपका भी न्यू ईयर कैसा रहा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आप लोग ने 31st August को क्या किया और क्या प्लान्स हैं आपके इस साल के, रेजोल्यूशंस क्या हैं आपके, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं हर कमेंट्स को पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय, हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन।